بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम इसके सिवा किसी और की इबादत न करना, माँ बाप के साथ एहसान करना, अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक न कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बातचीत करना और आजिजी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ह का बाजू झुकाए रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार उन पर रहम फरमा जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की. आमीन या रब्बी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. मौजूद माओं और प्यारी बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा दर्स है जिसका उन्वान है माँ बाप आपके लिए जन्नत या जहन्नम. अल्हम्दुलिल्लाह इस उन्वान के तहत माँ बाप आपकी जन्नत है या आपका जहन्नम, ये उन्वान बहुत ही अहम है. और इस उन्वान के तहत जो आयतें मैंने सूरतुल बनी इसराइल की आपके सामने तिलावत की, आयत नंबर 23 और 24, इसका तर्जमा और तिलावत आपने सुना, समझने की कोशिश की होगी कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के बारे में इसमें क्या बताया है. इन आयात की रोशनी में और चंद हदीस की रोशनी में आपको बताऊं इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने वालिदैन का क्या दर्जा रखा है इस्लाम में, और माँ बाप का जो दर्जा है अल्लाह ने जो रखा है दर्जा, उस दर्जे को अगर हम समझते हैं और उस मुताबिक हमारा अमल होता है तो अल्लाह सुबहान तआला हमें इंशाल्लाह जन्नत देगा. अगर वालिदैन का दर्जा हम उस हिसाब से नहीं समझते जिस जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में हमारे लिए रखा है, कुरान और हदीस में हमारे लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो अहकामात रखे हैं माँ बाप के मुताल्लुक वालिदैन के मुताल्लुक, तो उस ताल्लुक से इंशाल्लाह हम आज कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, ये समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए जन्नत है. अगर कोई बंदा समझा नहीं और उस पर अमल नहीं किया तो उसके लिए जहन्नम है. बात मुख्तसर सी बताते हुए मैं आपको उनवान के ऊपर बात अपनी मुख्तसर सी बताते हुए तफसीली बताऊंगी इंशाल्लाह. पहले तो मैंने मुख्तसर आपसे ये बता दिया कि अगर बंदा कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करता है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक जो करना है कुरान हदीस के मुताबिक करता है तो उसके लिए जन्नत, और अगर कोई कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं करता तो उसके लिए जहन्नम. तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से अमाल है जिसकी बिना पर हमें माँ बाप के हुस्न सलूक की वजह से जन्नत मिलेगी, और कौन से वो अमाल हैं जिसमें अल्लाह सुबहान तआला ने वईद बताई है, जहन्नम की वईद जिसके लिए बताई है. तो इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह आज समझने की कोशिश करेंगे. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो मालूमात हम यहाँ ले रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि हम उसको अमल करते हुए आगे लोगों तक पहुंचाने वाले हमको बनाए. आमीन या रब्बी. मेरी बहनों, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने जो दो आयतें तिलावत की है, वखदा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि एहसाना. वखदा रब्बुका क्या माना है? खदा यानी फैसला कर दिया, अल्लाह ने साफ साफ हुक्म दे दिया. खजा कहते हैं फैसला कर देना, साफ साफ हुक्म कर देना. वखदा रब्बुका तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया, तुम्हारे रब ने साफ साफ हुक्म दे दिया क्या कि अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु, कि तुम किसी की इबादत नहीं करो सिवाय उसके. उसके फौरी बाद अल्लाह कहता है वबिल वालिदैनी एहसाना,
और तुम वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। मेरी बहनों, पिछले दर्स में भी हमने यानी बनी इसराइल किससे खिताब करते हुए जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना सूरतुल बकरा में, तो सूरतुल बकरा में भी हमने पिछले ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद जो हुक्म दिया है बंदे को वो है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। वबिल वालिदैनी एहसाना हमने सूरतुल बकरा में पढ़ा था, लेकिन वहां पर तकरीबन 11 से 12 जो अहद थे अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल से लिए थे उन अहद का जिक्र था, तो तमाम चीजें मुझे एक्सप्लेन करना था, इसीलिए मैंने माँ बाप के ताल्लुक से जो हुस्न सुलूक का है आज मैंने खास एक दिन उसके लिए दिया, आज का एक दर्स उसके लिए दिया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है मेरी बहनों जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आती है। कि वालिदैन या तो बच्चे सुन रहे हैं तो बच्चों के लिए ये है कि वालिदैन उनके लिए जन्नत है या जहन्नम है, अगर हम सुन रहे बड़े सुन रहे तो हमारे वालिदैन अगर हमारे सरों पर सलामत है साया उनके तो फिर हमारे लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि वो हमारे लिए जन्नत का सबब बन रहे हैं या जहन्नम का, यानी उनके जरिए से हम जन्नत हासिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमें लम्हे फिक्र हमारा वो है कि बंदा सोचे कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या यानी दर से नसीहतें रखी है कुरान हदीस में। जैसा कि यहाँ पर आज हमने पढ़ा, पिछले हमने सूरह बकरा में पढ़ा था अल्लाह ने कहा था कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो, फिर यहाँ पर दोबारा हम सूरह बनी इसराइल की सूरत में हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने कह दिया कि मैंने फैसला कर दिया इस बात का कि तुम मेरी ही इबादत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। और हुस्न सुलूक कैसा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वा इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, और वो जब पहुंच जाए कैसे पहुंच जाए तेरी मौजूदगी में वो दोनों किब्र यानी बड़े हो जाए बुढ़ापे को पहुंच जाए, यानी बच्चा जब जवान हो जाता है तो माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, एक साइकिल होती ना कि एक मतलब बच्चा जब पैदा होता तो माँ बाप जवान होते हैं और जब वो पाल पोस कर उसे बड़ा जवान कर देते हैं तो खुद ब खुद माँ बाप के अंदर जो कमजोरी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसे कहा गया किब्र की बात, यानी बड़े हो जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप। तो आहादू हुमा, उन दोनों में से एक या किला हुमा दो भी, यानी माँ बाप दोनों में से एक या फिर दोनों भी, तो अब उनके साथ कैसा मामला करना है कि जब इंसान जब एज उसकी बढ़ने लगती तो उसके अंदर चिड़चिड़पन आने लगता है। तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि जब ये बड़े हो जाएं, जब किब्र को पहुंच जाएं, यानी उम्र के बड़े हिस्से को पहुंच जाएं, तो उस वक्त बच्चों को ये कहा गया कि तुम उन्हें उफ तक ना कहो। उफ कब कहा जाता मेरी बहनों? फला तकुल लहुमा उफिन, फा पस ला नहीं, तकुल तुम कहो लहुमा उन दोनों को उफिन। उफ कब कहता बंदा? जब उसको बहुत ज्यादा कोई इरिटेट कर देता ना, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई बहुत ही पीछे पड़ गया बहुत ही कुछ ये बोल रहे वो बोल रहे वो, तो लास्ट में क्या करते उफ बोल के चले जाते। तो ये उफ जो है ना, यानी तंग करने के बावजूद भी अगर यानी मतलब ये कि उफ का जो लफ्ज हमारी जुबान से निकलता है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उफ तक नहीं कहना है माँ बाप, ये हुक्म है डायरेक्ट अल्लाह ताला का, ये हुक्म है डायरेक्ट, यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने कहा कि मतलब फलाने ऐसा किया था वो, ऐसा नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ताला हमसे आपसे कह रहा है, यानी हमारी औलादों को हम ये तालीम दे कि बच्चों अगर तुम उफ तक तुम्हें नहीं करना अपने माँ बाप को, यहाँ पर तो बात कुछ और निराली हो जा रही। यानी आज का ये दर्स रखने की वजह क्या है? क्योंकि आज हमारी औलाद की हम उस नहज पर तरबियत नहीं कर रहे हैं जैसा कि कुरान हुक्म देता है। कुरान कहता है कि बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप तुम जवान हो गए और तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की तरफ पहुंच रहे हैं, वो कमजोरी पर कमजोरी उठाते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में और एक जगह फरमाया कि माँ के ताल्लुक से कि वाहन अला वाहन, वो कमजोरी पर कमजोरी उठाती है। तो जब कैसी कमजोरी, अल्लाह ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, यानी साफ बता दिया कि हमल के दौरान में उसको क्या मुसीबतें आती है, कैसे वो अपनी गजा को जो बच्चों की गजा में कन्वर्ट होती है, उसकी गजा उसका खून देकर पालती है, वो जिगर का खून देकर पालती है। तो ये जो पालना उसका है, ये जो 9 माह उसको पेट में रख के फिरना है, फिर 2 साल में दूध छुड़ाने की जो मुद्दत है, तो ये पूरा वाहना अला वाहन का, यानी कमजोरी पर कमजोरी उठाती है। और औलाद का ये हक बनता है, कि ये चीजें उससे ले, तो उसने तो अपना हक अदा कर दिया, औलाद को जो हक पहुंचता है, माँ ने तो अपना हक अदा कर दिया, बाप ने अपना हक अदा कर दिया कि पाल पोस कर तुम्हें बड़ा कर दिया, अब हमें क्या करना है? उनके साथ हुस्न सुलूक करना है। कैसा हुस्न सुलूक? अगर वो कोई बुराई का हुक्म देते हैं तो उसके ऊपर अमल नहीं करना है, बेशक नहीं करना है।
कोई बुराई का हुक्म देते हैं, कोई बुरी बातों का हुक्म देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं, तो वहां पर तो आपको फर्माबरदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह की फर्माबरदारी अफजल है। उसके बाद माँ बाप का दर्जा, अगर माँ बाप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाली बात हो रही है, तो वहां पर बात नहीं मानना है, लेकिन उफ भी नहीं बोलना है। उफिन लकुमा वला तनहर, उफिन उफिन फला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। और उन्हें झिड़कना भी नहीं, झिड़कना यानी झिड़कते कब है, नऊज़ुबिल्ला जिहालत की ये इंतहा होती है, जिहालत की इंतहा होती है कि कोई बंदा अपने माँ बाप को झिड़क रहा है, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है, उससे बड़ा बदनसीब क्यों, क्योंकि जो यानी अब क्या बोलते कि मतलब हाँ भाई वो बहुत गुस्से में था इसीलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया, नहीं, गुस्सा तो यानी मतलब है कि हराम है उस हराम फेल में, यानी गुस्से में हराम फेल में एक और एक हराम फेल उसने कर दिया कि माँ बाप के ताल्लुक से ऐसा रवैया। तो नऊज़ु बिल्ला माँ बाप के ताल्लुक से उफ तक नहीं बोलना है, उफ तक नहीं बोलना है। आज हम औलाद को देख रहे हैं, आज कई औलाद ऐसी है नऊज़ु बिल्ला जो माँ बाप को यानी तमीज उनके पास नाम की चीज नहीं है, तमीज नाम की चीज नहीं है। यानी माँ बाप, एक दौर ऐसा था कि हम यानी एक दौर चंद साल पहले एक दौर ऐसा था कि माँ बाप के सामने नजर उठा के बात करने की हिम्मत नहीं रहती थी औलाद। लेकिन आज ये क्या हो गया है माहौल, आज माहौल यानी फ्रीडम हमने इतनी दे दी, लीनियंसी हमने इतनी दे दी, इतने ज्यादा लीनियंट हो गए बच्चे कि नजर उठा के देखना तो बहुत ही मामूली है, बल्कि इस कदर यानी लापरवाही के जवाब ऐसे किस्म के यानी गुफ्तगू माँ बाप के साथ आम होती जा रही, तो उससे क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि गुनाह है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि गुनाह है। जैसे बच्चा अगर पलटा के कुछ भी बोल दिया माँ बाप को, नहीं नहीं करते, नहीं हो सकता, ये गलत है आपकी बात, यानी इस किस्म की बात नऊज़ु बिल्ला। आप थोड़ा थोड़ा एरा पहले देखिए, चंद साल पहले देखिए कि ये चंद साल पहले ये ऐसी गुफ्तगू माँ बाप से नहीं की जाती। अगर कोई करता तो वो तमाम लोग मिलकर उसे कहते थे अरे वो तो बड़ा बदतमीज है, वो तो माँ बाप से ऐसी बात करता है, तमाम लोग मिलकर उस पर नकीर करते थे। लेकिन आज हमारी हालतें ये हो गई है, आज हमारी हालतें ये हो गई है कि माँ बाप को जवाब देना एक मामूली बात हो गई, मामूली यानी उसके कोई हकीर यानी गुनाह नहीं समझते उसको, जबकि अल्लाह का साफ हुक्म है वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला हुवा बिलवालिदैन इहसाना, यानी अल्लाह ने फैसला कर दिया इस बात का कि तुम हुस्न सुलूक करो माँ बाप के साथ, कैसा करो कि फला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ तक मत कहो, उफ उफ कब कहता बंदा, जब बंदे को बहुत बेचैन कर दिया गया, बहुत परेशान कर दिया गया, बहुत तकलीफ पहुंचाई गई, उस वक्त वो उफ कहता है, तो वो उफ भी नहीं बोलना है, यानी आपको तकलीफ पहुंची भी तो उफ नहीं बोलना है, लेकिन उल्टा मामला है यहाँ पर, मामला तो उल्टा है, तकलीफ भी औलाद ही देती है और औलाद ही पलट कर जवाब भी देती है। यानी कोई काम उनको मना किया गया कि देखो भाई आप बहुत देर से फोन पकड़ी बैठी है मेरी बेटी, मेरे बेटे बहुत देर से तुम फोन पकड़े बैठे हो, ये चीज तुम्हारी बर्बादी का सबब बन रही है, ये चीज हटा लो, तुमसे हटा लेने की अगर बात करते हैं तो पलट के बच्चे ऐसा रिएक्ट कर रही, यानी नऊज़ु बिल्ला आज मुआशरे में इस कदर कबीरा गुना, ये कबीरा गुना, और ये कबीरा गुना की इस कदर कसरत हो गई है कि हमको वो कबीरा कबीरा नजर नहीं आ रहा, हम समझ रहे हैं कि मामूली बात है और हम अपनी औलाद को छोड़ दे रहे हैं इस बात पे कि हाँ ठीक है भाई सभी माहौल ऐसी हो गया आजकल, सब ऐसी कर रहे हैं, सभी ऐसी कर रहे हैं लिहाजा हमारे बच्चे भी ऐसी कर रहे हैं लिहाजा छोड़ दो ने। तो आप उसे जहन्नम में भिजाने की तैयारी कर रही हैं। वो औलाद जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करती, वो औलाद जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, अब चलिए बताओ मैं हुस्न सलूक क्या है, हुस्न सलूक पहले समझिए हुस्न सलूक क्या है। हुस्न सलूक ये है कि आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो माँ बाप के साथ बिहेवियर होता है वो हुस्न वाला यानी बेहतरीन बिहेवियर हो, दी बेस्ट हुस्न सुलूक कहते हैं, दी बेस्ट सुलूक, दी बेस्ट बिहेवियर। बेस्ट बिहेवियर कैसा होता है मेरी बहनों, एक होता है कि माँ बाप आए, आप माँ बाप के साथ मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, उनके मतलब एक बस नजर उठ रही है उनके, मतलब वो किस तरफ उनको किस वक्त पानी होना है, किस वक्त खाना होना है, किस वक्त क्या होना है, आप एक बस नजर के मुस्तहक है, आप एक नजर उठ रही है उनकी तो आप फौरी उनका काम कर दे रहे हैं, बे इंतहा अदब और एहतराम के साथ उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ अदब और एहतराम के साथ रहे, वो हुस्न सुलूक है, बेहतर सुलूक। एक सुलूक वो होता है कॉमन, यानी मतलब एक खिदमत भी कर रहा है बंदा लेकिन लीस्ट बॉदर, ऐसी मतलब अरे चलो इनको कर देना है ये कर देना है बस खलास, नहीं,
वो वाली बात नहीं हो रही। आपको खिदमत भी करो तो कैसी खिदमत करो, कह रहे हैं अल्लाह ताला हुस्न के साथ, यानी बेहतरीन खिदमत करो, बेहतरीन उनके साथ मामला करो। बेहतरीन मामले में, बेहतरीन मामले में तो एग्जाम्पल्स तो हजारों हैं, लेकिन मैं एक बदतरीन मिसाल दूंगी। मैं बदतरीन यानी मतलब एक बदतमीजी जिसे कहते हैं, बदतरीन में नहीं, बदतमीजी जिसे कहते हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक नहीं करा कोई बंदा और बदतमीजी कर रहा है। तो बदतमीजी क्या होती है, लेवल क्या होता है बदतमीजी का, गौर से सुनिए हदीस, गौर से सुनिए और अच्छी तरीके से याद रखिए। बदतमीजी ये होती है मेरी बहनों जो हुस्न सुलूक के अपोजिट है। बदतमीजी जो होती है वो ये है कि बदतमीजी जो होती है वो ये है कि हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कपड़ा होता है समझिए, कपड़ा फाड़ रहा है, तो कपड़ा जब फटता ना तो उसमें से रुआ ही निकलता ना, छोटा छोटा रुआ निकलता, तो वो रुआ जब माँ बाप के ऊपर गिरता है और वो बच्चा उस चीज का ख्याल नहीं करता, यानी कपड़ा फाड़ रहा है और सामने माँ बाप बैठे, उसका रुआ उड़ के माँ बाप के ऊपर गिर रहा है, तो नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बदतमीजी है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए आज के माहौल में औलाद की बदतमीजियां किस उरूज पर है, किस उरूज पर है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह जब हम टटोलना शुरू करेंगे तो एक मेन वजह यह आती है कि ये बच्चा अल्लाह का बागी है, इसीलिए माँ बाप का बागी बन रहा है। ये बच्चा अल्लाह का बाकी है तो गिड़गिड़ा कर दुआएं करिए, तहज्जुद की नमाज को कजा मत करिए, तहज्जुद की नमाज में गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, तहज्जुद की नमाज को छोड़िए नहीं, तहज्जुद की नमाज को छोड़िए नहीं, और अपने मुसल्ले को पकड़ लीजिए और दुआएं मांगिए, क्योंकि ये बच्चा खाली सतन जो बदतमीजियां करता है वो जहन्नम के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और आप याद रखिए इसके लिए, इसके नाम से जहन्नम की आग जलाई जा रही, इसके नाम से जहन्नम की आग जलाई जा रही, हत्ता कि वो अल्फाज जो रगे गर्दन तना कर जो बात कर रहा ना माँ बाप से, वो गर्दन रगे गर्दन जो होती, जो गर्दन के रगा तना तना के बात करते ना माँ बाप से, तो वो रगे आग में जलाई जाएंगी, याद रखिए। अल्लाहु अकबर। आज अगर औलाद को कोई यानी मतलब ये कि आग लग गई उससे तो आप बर्दाश्त करेंगी, नहीं करेंगी ना मेरी बहनों, औलाद को आग लग गई तो आप आराम से बैठेंगी, नहीं बैठेंगी, उसकी जलन उसकी शिद्दत कि जो तड़प होती है तो उसके लिए आप तड़प जाएंगी, तो आज तड़पिए उसके लिए, आज तड़पिए उसके लिए कि वो जहन्नम की तैयारी कर रहा है, वो आपको बैक आंसर कर रहा है, तो आपके वो अपनी जहन्नम बना रहा है, तो आप उसे रोकिए, सख्ती से रोकिए, सख्ती से। मैंने खातून को देखा था, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें, कि लड़का उनको पलटा के बड़ा बड़ा बच्चा जवान हो गया ना, अभी तो बाबा बूढ़े हो गए, तो अब जैसे बोले वैसे सलूक करो, हम तो जवान, बच्चा तो जवान हो गया। अब अक्सर देखिए घरों में जब बच्चा थोड़ा सा आवाज उसकी चेंज हो जाती है, लड़की बड़ी हो जाती है आवाज चेंज हो गई, बड़े हो गए लड़के, बड़े हो गए तो क्या करते, बड़ी बड़ी आवाज में माँ बाप से बात करने लगते, क्या है, हाँ इसी होता है, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम, वो यानी वो आपको समझ नहीं आएगी बात, वो यानी इस कसम के जवाब जब दे रहे हैं तो माँ बाप, हाँ बेटा मेरे को समझ में नहीं आता, आप बताओ, नहीं ऐसा मत बोलिए, ऐसे बोलने से वो जहन्नम की तैयारी कर रहा है और आप चुप है, नहीं आप बताइए, ये जो रगे गर्दन तना रहा ना मेरे सामने ठहर के, ऐसा नहीं बोला, गलत बोला था, ऐसा नहीं हुआ था वैसा, ये जो बातें करता ना पलटा के, नऊज़ु बिल्ला, तो ये जो रगे गर्दन को पकड़ के बोलिए, ये रग आग में जलाई जाएगी, खबरदार जो तनाया मेरे सामने, तो नहीं तनाने नहीं दे, रगे गर्दन को तनाने नहीं दे, क्योंकि वो जहन्नम में जलेगी। वो अल्फाज जो अपने माँ बाप के साथ, यानी बदतमीजी, मैंने आपको हदीस सुनाई ना अभी, बदतमीजी ये है कि कोई बंदा कपड़ा फाड़ रहा है, कपड़ा फाड़ रहा है और वो कपड़े का जो रुआ होता है वो उड़ के माँ बाप पे गिर रहा है, तो वो बदतमीजी बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये पलटा के जवाब देना और इस कदर यानी लापरवाही से और इस कदर जहालत की गुफ्तगू अगर माँ बाप से बच्चा करता है तो ये कबीरा गुना है, उसको छोटा मत समझिए, छोटा नहीं है, ये माहौल बन गया तो क्या मतलब, माहौल बन गया तो सगीरा हो गया, माहौल बन गया हर तरफ वही है मामला, तो क्या सखीरा हो गया गुना कबीरा जाके, नहीं कबीरा गुना ही है। अल्लाह ताला ने कहा कि वखादा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला कर दिया, तेरे रब ने फैसला कर दिया, हुक्म दे दिया, साफ साफ फैसला कर दिया इस बात का कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो और उफ तक मत कहो, न झिड़को, बल्कि खौलन करीमा एहतराम के साथ बातचीत करो, एहतराम के साथ। अहादीस में बार बार आता है मेरी बहनों, बार बार आता है, खूब ताकीद की गई कि बुढ़ापे में जब माँ बाप पहुंच जाते हैं तो उनके सामने उफ तक नहीं कहना है, डांट टपट तो बहुत दूर की बात है,
डांट डबट तो बहुत दूर की बात है, उफ भी नहीं करना, नहीं कहना है। आज यह है कि बच्चा थोड़ा सा जवान हो गया तो माँ बाप को पलटा कर ऐसे जवाब देता है जैसे कि कोई वकात ही नहीं है उसके जहन दिमाग दिलो दिमाग माँ बाप की। यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो हुक्म अव्वल है, वो हुक्म अव्वल है। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे अपने अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर गौर करिए, अल्लाह ताला की मखलूक के ऊपर गौर करिए कि देखिए कैसे शफकत के साथ हर माँ अपने बच्चे को पालती है, कैसे शफकत के साथ, कैसी शफकत और मोहब्बत के साथ हर माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है। इंसान ही नहीं, जानवर की भी मिसाल लीजिए, जानवर को भी देखिए, मुर्गी को देखिए कैसे परों में समेटती है अपने बच्चों को, परिंदों को देखिए, छोटे छोटे परिंदे, वो छोटा उसका जो बच्चा पैदा होता है उसको कैसे समेट समेट कर रखती है, चुन चुन के दाने लाके अपने अपनी चोंच से उसको खिलाती है। तो ये जो अल्लाह ने जानवरों के अंदर तक वदीअत कर दी है, जानवरों के अंदर तक माँ की मोहब्बत रख दी, तो इंसान के अंदर तो बदरजे उला रखी, माँ कैसे कैसे परवरिश करती है, कैसे कठिनाइयों से गुजरती है। और उसको आप, यानी मतलब ये कि जब आप बिल्कुल कमजोर थे, इतने कमजोर कि आपको पता है कि जो छोटा न्यू बोर्न बेबी होता है ना, छोटा सा, उसको अगरचे उसका तलवा या हथेली जो बोलते ना, या तालू जो बोलते, तो ये चीजें अगर थोड़ा जोर से भी दबा दे बच्चा मर जाता, बोलते नहीं इसीलिए डेलिकेट एकदम नजाकत से लेते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि जिस्म के कोई हिस्से ऐसे होते बच्चे के अगर वो दब गए तो वो जब का जब स्पॉट डेथ हो जाती, जोर से दब गए तो इस कदर नाजुक बच्चा, और वो बच्चे को हट्टा कट्टा बनाने में उसका माँ बाप का कितना रोल होता है, कितना ज्यादा होता है। गौर करिए उस बात के ऊपर कि उसके अंदर जो, यानी मतलब ये हड्डियों में उसके ताकत आना, उसका गोश्त पोश बढ़ना, वो ऐसे नहीं बढ़ जाता ना, कोई ऐसे नहीं बढ़ जाता कि कोई फिल्म है डाल दिए बच्चा छोटा था 5 मिनट में बड़ा हो गया, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं है। यानी बच्चे के पीछे जोहदे मुसलसिल करते हैं माँ बाप, जोहदे कंटिन्यूस स्ट्रगल, कंटिन्यूस। यानी रातों में जो माँ का दर्जा बार बार क्यों बताया गया, हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आके पूछे कि किसका हक सब में ज्यादा है मेरे लिए, किसका हक ज्यादा है अल्लाह और उसके रसूल के बाद, तो बोले माँ का, बोले फिर किसका हक है, बोले माँ का, बोले फिर किसका हक है, तो तीसरी मरतबा में फरमाया तुम्हारी माँ का, माँ का हक ज्यादा है तुम पर, क्यों, क्योंकि एक रात जो उसने टहल टहल कर तुमको गोद में लेकर सुलाया ना, तो वो एक रात के एक पहलू का हक अदा नहीं कर सकती, एक पहलू का हक अदा नहीं कर सकती। गीले बिस्तर पर जो समेट कर अपने आप को, यानी गहरी नींद में समेट कर गीले बिस्तर पर ही सो जाती है, बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है ना, उन लम्हात का भी हक अदा नहीं कर सकते आप, क्या हक अदा करेंगे। जो परवरिश माँ करती है, जो परवरिश माँ करती है, अपना जिगर का खून देकर जो बूटे पालती है, वो गुलिस्ता आज उसके लिए अंगारा बन जाए, नऊज़ुबिल्लाह, कैसे हो सकता है। वो गुलिस्ता जो उसने सजाया, अपने जिगर का खून दे देकर उसने जो बूटे पाले हैं, वो बूटों को, वो कलियों को, वो आग के शोले उसके लिए बन जा रहे हैं, गुस्से के मारे पलटा के जवाब दे रहे हैं, क्या पका है मम्मी आप, ये नहीं खाती मैं, ये नहीं खाता मैं, अब ये क्या पका के रखते भाई। अब माँ भी बोल रही, अब आराम से जवाब दे रही, नहीं नहीं बेटा वो क्या है कि आज ऐसा हो गया था ना इसीलिए ऐसा, नऊज़ुबिल्लाह, नहीं नहीं। यानी अपनी औलाद को बोले कि ये तुम्हारा जो अंदाज है ना, तर्ज गुफ्तगु जो तुम्हारा है, ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा मेरे बच्चे, ये मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं। अपने अब तौबा इस्तग़फ़ार करो, मैंने तो माफ कर दिया तुम, क्योंकि माँ लरस जाती ना जब उसका तसव्वुर हो जाता कि इस बिहेवियर की वजह से उसको जहन्नम मिलेगी, तो माँ तो तरस जाती, दुआ करती कि अल्लाह मेरे बच्चे को माफ कर दे, मैंने भी उसे माफ कर दिया, तू भी उसे माफ कर दे। लेकिन बच्चे को ये समझाएं कि ये तुम्हारा बिहेवियर तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा, इस बात को नहीं भूलो, इस बात को नहीं भूलो। अल्लाह ने बार बार कुरान में कहा कि वबिल वालिदैनी एहसान, वबिल वालिदैनी एहसान, एहसान का सलूक करो, बेहतर बेहतर से बेहतर उनके साथ बिहेवियर रखो। वाहफिज लहुमा जरा हजुल आजिजी और मोहब्बत के साथ, तवाज़े के साथ झुक जाओ उनके सामने, यानी अपने बाजुओं को पस रखो, तन के नहीं ठहरना। उसका अपोजिट क्या होता है, तन के ठहरना। आज जैसे ठहरता ना बच्चा बाप के सामने, माँ के सामने तन के ठहरा, क्या है, अल्लाहु अकबर, रूह काम जाती है ये बिहेवियर देखकर। अल्लाह की कसम, हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे हमारे माँ बाप के साथ कि हम ऐसे गुफ्तगू करें उनके साथ, तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तन के ठहरना उनके सामने, क्या है पूछना, हाँ बुलाए, क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, हाँ अरे बच्चा ऐसी हो गया भाई, चिड़चिड़ा हो गया, उसको बहुत काम था, वो ऑफिस में बहुत थक के आया है,
या फिर काम करके थक के आए, स्कूल से थक के आए, कॉलेज से थक के आए, ऐसी थकान जाए गारत, इसका कोई मुहासिबा नहीं होगा कि तुम्हारी थकान थी इसीलिए तुमने ऐसा बिहेव किया माँ बाप के साथ, नहीं। यहाँ पे इल्ला का लफ्ज आया, वक्फिज लहुमा जनाह दुल्ली मिनरहमा, इल्ला इल्ला आया, इल्ला सिवाय इसके कि तुम थके हुए हो, सिवाय इसके कि तुम परेशान हाल हो, नहीं। हर हमेशा आजिजी और मोहब्बत के साथ, तवाजे के साथ, वक्फिज लहुमा जनाह दुल्ली मिनरहमा, आजिजी मोहब्बत के सामने, आजिजी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाजे का बाजू झुकाए रखना है। तवाजे यानी शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ उनके साथ बिहेव करना है। होता ना मेरी बहनों, होता ना, एक वाक्य मशहूर है कि एक शख्स अपने बच्चे के साथ बैठा हुआ था, उसका बच्चा जवान हो गया, तो जाहिर बात है वो बूढ़ा हो गया, बच्चा जवान है तो वो बच्चे से पूछता है, बेंच पे बैठे होते घर के गार्डन में, बेंच पे बैठे होते तो बच्चा, लड़का पूछता कि क्या है, खैरियत से डैडी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। बेटा वो क्या है? दरख्त पे कौवा पुकारते रहता, बता के बोलता कि बेटा वो क्या है? तो बेटा बोलता कि कौवा है डैडी, दिख रहा नहीं आपको, कौवा है वो? तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर खामोश बैठ जाता, फिर थोड़ी देर के बाद पूछता कि बेटा वो क्या है? तो बोलता कि डैडी मैंने अभी आपसे कहा ना वो कौवा है। अब देखिए थोड़ा सा पहले से, उसने पहले तो उसने नर्म जवाब दिया, दूसरी मरतबा पूछे तो थोड़ा और तेज हो गई उसकी आवाज, कहता है कि अरे डैडी मैं भी, मैंने बताया ना वो कौवा है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर खामोश बैठ जाता वो बाप। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद में कहता है कि बेटा वो जो बैठा है दरख्त पर वो क्या है? अब बेटा क्या करता, ओफो डैडी ये टू मच हो गया, ये क्या है, आपको बार बार बोलो मैं कौवा है, कितनी मरतबा पूछते, पागल हो गए, क्या हो गया आपको, आखिर दिखाई नहीं दे रहा कौवा है, कितनी मरतबा बोलूं? अल्लाह अकबर। ये कहना था कि वो वालिद कहता है देखो बेटे, वो देखो हॉल में जो चेयर रखी है ना, आज भी वो चेयर उसी जगह है, वो चेयर पर मैं बैठा था और तुम बहुत छोटे थे, और जब तुमने आकर कहा कि देखो डैडी डैडी वो क्या है, तो मैंने आपसे कहा कौवा है। फिर थोड़ी देर के बाद आप आए और फिर पूछे कि डैडी वो क्या है, तो मैंने कहा, मैं जैसे जैसे तुम मुझसे बार बार पूछते जाते, मेरी मोहब्बत व शफ़क़त और बढ़ती जाती और मैं तुम्हें नजदीक लेता जाता, प्यार करता जाता और कहता बेटा दैट इज क्रो, इंग्लिश में से क्रो कहते हैं, कौवा है। और आज तुम्हारा ये हाल है कि मैं एक से दो मरतबा कोई बात तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम उस पर ऐसे नाराज हो रहे कि झिड़क रहे हो मुझे। और वो लम्हात याद करो बेटा जब मैं तुम जितनी मरतबा मुझसे पूछते जाते वो सवाल, मैं उतनी मरतबा तुमसे मोहब्बत और शफ़क़त के साथ कहता कि बेटा वो कौवा है, बेटा वो कौवा है। और आज ये हाल, ये तमसीली वाक़ियात नहीं है मेरी बहनों, ये हकीकत में हो रहा है। ये तो मैंने बहुत छोटी मिसाल दी कि एक बच्चा अपने बाप को झिड़क कर बोल रहा है, कह रहे क्या कितनी मरतबा पूछ रहे, लेकिन मामूली बात भी जब आज देखी जाती है, मामूली बातों, बच्चे जब पलटा के जवाब देते ना, वो बच्चों को एहसास नहीं है, उन्हें एहसास करना चाहिए, उन्हें एहसास करना चाहिए कि जब वो माँ बाप बनेंगे तो उनके साथ क्या मामला होने वाला है, क्या मशक्कतें वो करने वाले। इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब एक बच्चा जवान होके ठहर रहा है, माँ बाप खुश हो रहे हैं उसे देख के, कह रहे हैं मेरा बच्चा जवान हो गया, और वही लड़का वही लड़की अगर पलटा के माँ बाप को जवाब दे रहा है, उफ कह रहा है, झिड़क रहा है, हराम 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 फेल का इर्तिकाब कर रहा है। आप उसको मामूली नहीं जानिए, उसको मामूली नहीं जानिए, क्योंकि माँ बाप आपकी जहन्नम है या तो आपकी जन्नत है। आपने उसके साथ अच्छा, उनके साथ अच्छा सलूक किया, आपके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत को ढूंढो तो तहतिल अक्दामिल उम्महात, तुम अपनी माओ के कदमों के नीचे तुम जन्नत को पाओगे। यानी जन्नत जैसी अजीम नियामत अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे, मतलब ये कि माँ की जितना ज्यादा आप कद्र करेंगे उतना ज्यादा आप जन्नत के करीब होंगे। और बाप के ताल्लुक से कहा गया कि जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। आपने उसकी खिदमत नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की, उसकी खिदमत नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की, तो फिर वो दरवाजा बंद है आपके लिए। चाहे आप कितने भी नमाजी हो, कितने भी रोजेदार हो, कितने भी आप परहेजगार हो, चाहे आपकी वाह वाह हो सारी दुनिया में, सब लोग बोल रहे हैं कि क्या बच्चा है, क्या लड़की है, क्या लड़का है, जबरदस्त है, जबरदस्त है, सुभान अल्लाह। चाहे आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो,
लेकिन अगर आप माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं है तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे, याद रखिए। छिड़कना, उनके साथ नाजेबा गुफ्तगु करना, बदतमीजियां करना, ये जायज नहीं है इस्लाम में, हराम है, हराम। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव करता है, बदतमीजी के साथ पलटा के जवाब देता है, फर्मा बरदारी नहीं करता, एक मरतबा आज तो ऐसी मुंड हो गई है औलाद, यानी क्या चीज खाने में आ रही है इनके पता नहीं, कि मतलब जो एग्जाम्पल्स देखने में आते हैं, रूमटे खड़े हो जाके, ये बच्चे के बच्चे है नहीं, क्या है ये? मैं तो कहती हूँ ना, ये मतलब जरूर भी जरूर जानवर की कोई चीज, चर्बी वगैरह खाने में आ रही इनके, जो ऐसे स्टबन बने हैं, स्टबन। एक मरतबा बोलो बात समझ में नहीं आती, एक मरतबा बोलो, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा चिल्ला रही है माँ, चिल्ला रही है बाप, चिल्ला रहा है, देखकर ताज्जुब होता है कि ये क्या क्या मामला है, ये देखकर ताज्जुब होता है कि क्या मामला है कि एक मरतबा, यानी हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था कि हमको बोलने, पहली बात तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जब कह देते कोई बात तो फौरी हम अमल करते, उसके अलावा दूसरी राय नहीं थी कि ये नहीं करेंगे तो सेकंड ऑप्शन क्या है, ऐसा नहीं था, नो ऑप्शंस। लेकिन आज कैसे, यानी कैसा माहौल हो गया नऊज़ु बिल्लाह, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हदीस देखिए, जैसे मैंने एक हदीस आपको अभी बताई कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे बताई गई, बाप को जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा कहा गया, माँ बाप के ताल्लुक से हत्ता के एक तवील वाकया है, मुख्तसर करके आपको बताओ कि एक शख्स जिसके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आता है, उसके साथ उसके बेटा मिसबिहेव करता है, कुछ मांगता है वो, पैसे वगैरह कुछ मांगता, तो वो पलटा के बोल देता कि नहीं कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, क्या होगा आपका हक अपनी जगह, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, खलास, यानी है उसको कुछ, बहरहाल कुछ मिसबिहेव कर देता, ऐसा मिसबिहेव करता कि वो शायर रहता, वो शख्स जिसके साथ मिसबिहेव होता है, बूढ़ा शख्स होता है और उसके साथ मिसबिहेव होता है, तो वो शख्स रोते हुए कुछ अशार गुनगुनाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा होते हैं और वो शख्स रास्ते में कुछ अशार गुनगुनाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता है, और वो शख्स अभी अल्लाह के रसूल के पास आया नहीं, अभी उसने बेटे की शिकायत भी नहीं की, आसमानों से जिब्रील अमीन को अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला भेजते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि जाओ ऐ जिब्रील और ये अशार जो वो गुनगुनाते आ रहा है नबी को सुनाओ ये अशार और कहो कि अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली, सातों आसमान पर अर्श पर बैठे अल्लाह ने उसकी सुन ली, कबल इसके कि तुम आओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बतलाओ, अल्लाह ने उसकी सुन ली है। बोलो ये अशार वो कहते हुए आ रहा है, दुखियारा है, उसकी बात सुनो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं कि देखिए एक बाप दुखा यानी दुखा दिल रखने वाला बाप, उसकी बात अर्श तक कैसे पहुंच गई, अंदाजा रखिए आप, अंदाजा लगाइए आप कि दुखियारे माँ बाप अगर हैं, उनकी बात दिल उनकी यानी दिल, अभी उसने कुछ कहा नहीं, बस दिल दिल में अशार कहते हुए आ रहा है और वो दिल की अर्श पर सुनी गई, वो दिल की अर्श पर सुनी गई। पॉइंट को याद रखिए, पॉइंट को मैं दोबारा हाईलाइट करके बता रही हूँ आपको, गौर से सुनिए कि वो बाप जो अशार गुनगुनाते हुए आ रहा था, दिली दिल में जबान पर उसके अशार थे, दिली दिल में गुनगुनाते हुए आ रहा था, पढ़ते हुए अशार पढ़ते हुए आ रहा था, कौन से अशार थे वो अशार में ये कह रहा था कि मैंने तो तेरे ऊपर अपनी दौलत लुटा दी, मैंने तो तेरे ऊपर अपनी जिंदगी लुटा दी, मैंने तो तेरे ऊपर अपनी कीमती जवानी लुटा दी, मेरे हर लम्हात जो जवान बच्चा तू पैदा होने के बाद, तेरे पैदा होने के बाद से मेरे बूढ़े होने तक मैंने तमाम ख्वाहिशात को तेरी ख्वाहिशात पर तरजीह दी। और होता भी ऐसी है, होता भी ऐसी है कि बाप अपने बच्चों के अपनी ख्वाहिशात को अपने बच्चों की ख्वाहिशात पर कुर्बान कर देता है, अपने बच्चों को कपड़े एक से एक पहनाने में अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखता, अपनी जरूरियात का ख्याल नहीं रखता, पहले ये देखता है कि पहले बच्चे की जरूरियात पूरी हो जाए उसके बाद मैं अपना करूंगा। और ये बच्चा जब जवान हो गया, कमाने के काबिल हो गया, तो आज उसको कोई उसको ख्याल ही नहीं है उस बात का। तो वो दुखियारा बाप जब आ रहा है तो वो दुखियारे बाप के दिल की आवाज, उसकी जबान उसने किसी को नहीं सुनाया और वो कहां पहुंची, डायरेक्ट अर्श पर। और अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को भेजते हैं और कहते हैं कि देखो वो शख्स आ रहा है, वो दुखियारा है। और वो शख्स जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और शिकायत करता है अपने बेटे की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बुलाते हैं और उसके माँ बाप के हुकूक बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बदतमीजी यानी तुम्हारा जवाब देना ये इतनी बड़ी बदतमीजी है
कि इसके इसके जरिए से तुम जहन्नम में जा सकते हो, इबादतें गारत हो जाती हैं, तमाम इबादत। और एक हदीस सुनिए, वईद वाली खतरनाक वईद वाली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ुन अलैह, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी एक मरतबा मस्जिद नबी के मेंबर पर तशरीफ ले जाते हैं, और मेंबर पर एक कदम रखते हैं और कहते हैं आमीन, दूसरा कदम रखते हैं और कहते हैं आमीन, फिर तीसरा कदम रखते हैं कहते हैं आमीन। तो नमाज से फारिग होने के बाद सहाबा कराम इरशाद फरमाते कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या बात हुई कि आप मेंबर पर तशरीफ थे, एक एक कदम पर आमीन आमीन कह रहे थे, आखिर ये क्या बात हुई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी बहनों नोट करिए अपने जहन में, नोट करिए ये बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अभी अभी आए और उन्होंने कहा, वो शख्स गारत हो जिसने बुढ़ापे की हालत में माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को पाया और खिदमत के जरिए से जन्नत हासिल ना कर ली, वो शख्स गारत हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीन बातें जो तीन मरतबा आमीन बोले ना, उसमें से एक ये माँ बाप के ताल्लुक से था। एक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अगर कोई लेता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता तो उसके लिए भी हलाकत बर्बादी है। तीसरा वो है कि जो रमजान मुबारक का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा ली, उसके लिए यानी वो गारत हो, वो जहन्नम में जाए, तो ये बद्दुआ उसके लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। अब ये सोचिए, आज हमारा माँ बाप का टॉपिक है, तो अब ये सोचिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से आमीन कह रहे हैं। अल्फाज किसके हैं? जिब्रील अमीन के अल्फाज है कि वो शख्स जो, यानी वो बच्चा हो, बड़ा हो, जो भी हो, यानी जवान है, ताकतवर है और माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील ने कहा कि माँ बाप या दोनों में से एक कोई और उसने बुढ़ापे की हालत में उनको पाया और उनकी खिदमत के जरिए से अपनी जन्नत न बना ली तो वो गारत हो। तो आमीन की मोहर कौन लगा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। और जगह कौन सी है? मस्जिद नबवी। और मस्जिद नबवी में भी मेंबर के पास। आप तस्वुर कीजिए कि अगर किसी भी बच्चे के बारे में उसका नाम लेके वहां पर मस्जिद नबी के मेंबर के पास अगर कोई भी ठहर के दुआ कर दिया कि उसने माँ बाप की अगर खिदमत नहीं की तो वो गारत हो, तो कितनी खतरनाक वाली बात हो जाएगी ना, कितनी खतरनाक। यानी अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मैं फला मस्जिद नबी गई थी और मैं वहां पर जाकर आपके बेटे के लिए दुआ करी कि अगर वो खिदमत करा तो उसे अल्लाह जन्नत दे, खिदमत नहीं करा तो उसे गारत कर दे, तो आप बोलेंगे अरे ऐसे अल्फाज मत बोलो। लेकिन ये अल्फाज हो चुके, ये बोल चुके। किसने कहा? जिब्रील अमीन ने। और आमीन कौन कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस बात पर? कि दोनों, यानी माँ बाप जब बुढ़ापे की हालत को पहुंचे या दोनों में से कोई एक पहुंचे और खिदमत के जरिए से अपनी जन्नत ना बनवा ली, मतलब ये कि इस कदर खिदमत करना है कि अल्लाह जन्नत दे दे तुम्हें। उसके लिए बहुत मेहनत होती मेरी बहनों, मामूली बात नहीं, बहुत मेहनत होती है। यानी वो जन्नत को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत होती है और वो जन्नत को पाने के लिए आप तो कोई है, किसी के जन्नत का एक दरवाजा खुला है तो उसकी खिदमत करके अपनी जन्नत को पा लीजिए। आपके माँ बाप आपकी जन्नत है, आपकी जन्नत, यानी आप जन्नत ढूंढ रहे हो, उधर जाके कोई रफा आमा का काम कर रहा है, कोई फला कर रहा है, आपकी जन्नत आपके पास है, आपके घर में है, आप वो जन्नत को हासिल करिए। कैसे हासिल करेंगे? खिदमत के जरिए से। आपको पता है, एक मरतबा समर कैंप ले रही थी मैं, तो बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 150-200-300 बहरहाल बहुत सारे बच्चे थे। तो उन बच्चों को मैंने ये कहा था कि देखो बेटे, आप लोगों की तरबियत में लाजिम पहले ये है कि आप लोगों को अपने माँ बाप की फर्मा बरदार बनना है, अल्लाह के फर्मा बरदार बनना है, उसके बाद अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनना है। आप जाके आज हाँ कौन कौन करते खिदमत, बाज हाथ नहीं उठाए, बोले कि हम भी मम्मा की हेल्प करते, बाबा की हेल्प करते, ठीक है। मैंने कहा कि आज जाके थोड़ा सा उनके पैर दबा दीजिए, उसके बाद देखिए वो कैसे दिल से दुआ देंगे। और वाकईतन हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मेरे कदम जब दबाता है ना, तो मुझे ऐसे मतलब दिल से दुआ निकलती है, मेरे दिल से दुआ निकलती है।
और आपको पता है अभी अभी मैंने हदीस कही आपसे कि वो बाप जो अपनी जुबान से किसी से नहीं बोला, दिल में वो अशार गुनगुना रहा था और अर्श पर पहुंच गई वो बात। तो मेरी बहनों, माँ बाप की दिल की पुकार अर्श तक पहुंचती है। थक कर लेटी माँ, आपको कोई लीज बॉदर कुछ भी नहीं, हाँ थक गए मम्मा बस सो गए, चलो हो गया, थोड़ी जाके पैर दबाएं, सर दबाएं, उनकी खिदमत करें। किसी का दरवाजा खुला है खिदमत करने का तो खिदमत कीजिए। बाज ऐसे हैं कि किसी का एक दर खुला है, एक दर बंद हो गया। माँ या बाप दो जन्नत के दो दर हैं, दो दरवाजे हैं। किसी एक का इंतकाल हो गया तो गोया जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया, और अगर किसी के दो भी दर चले गए, दो दरवाजे बंद हो गए, अब उनके लिए जन्नत कमाने का ये जरिया बाकी ना रहा। कई ऐसे हैं जिनके दो भी दर बंद हो गए, वो मौका खत्म हो गया उनके लिए। जो है जिसके है वो गनीमत जानिए, क्योंकि बाद में रोने से अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। और जिसने किया ना, जिसने किया, आज हम भी सोचते हैं कि अल्लाह और हयात देता तो हम और खिदमत कर लेते, यानी खिदमत करने के बावजूद भी तड़पेंगे। मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों जो सुन रहे हो मुझे, आप खिदमत करने के बावजूद भी और ये करेंगे कि अल्लाह और हयात दे देता, और मैं खिदमत कर लेता या और मैं खिदमत कर लेती। क्योंकि ये जो राहत मिलेगी ना आपको खिदमत के बाद, अल्लाह दुनिया में भी इसका बदला देता है। मेरी बहन, ऐसे कई किस्से मैंने देखे, ऐसे कई वाकयात मैंने देखे जिसमें माँ बाप की खिदमत करने पर उनको अल्लाह ने उरूज दिया, बहुत ज्यादा तरक्की दी। और मैंने वो भी मिसालें देखी अपनी जिंदगी में, अपनी आंखों से देखा, जिसने माँ बाप की कदर नहीं की आज वो जलील हो रहा है अपने औलाद के हाथों। अल्लाह की कसम, मैं एग्जाम्पल अपने सामने, अपने नजरों के सामने मैंने देखा कि जो अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव किया था आज वो जलील हो रहा है अपने बच्चों के जरिए से, हर तरीके से अल्लाह जिल्लत उसको जलील किए बगैर अल्लाह मौत नहीं देगा उससे। ये बात याद रखिए, जो माँ बाप को जलील करता है, जो माँ बाप की इज्जत की ख्याल नहीं करता, जो माँ बाप को रुस्वा करता है, जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता, अल्लाह उसको तकलीफ दिए बगैर नहीं मारता। बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा, कई अहादीस है, ताकि आज मैं जो कुरान की आयत पढ़ी है उसमें हद ये भी बतला दी गई, ठीक है दो भी दर बंद हो गए, अब क्या करना, उसके बाद भी है हुकूक, मरने के बाद भी है। वो हक ये है कि वखुर रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तुम इनके लिए दुआ करो, अपने रब के सामने उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उनको बख्श दे, उन पर रहम फरमा, जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था। आज माँ बाप ज़ईफ हो जाते हैं तो हमें कसरत से ये दुआ पढ़नी है। मेरी बहनों, गुजर भी गए तो ये दुआ पढ़नी है कि अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था। अपने सुजूद में दुआ कीजिए, सजदा करते ना हम, सजदा करते ना, वो सजदे में ये दुआ कीजिए, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मामूल बना ले, अपना मामूल बना ले। मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा था कि फला रमजान से, 2000 फला फला के रमजान से आज तक मैंने ये मामूल पढ़ा नहीं अपना, कि मैं रोजाना रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सजदे में पढ़ता हूँ। मुझे बहुत भली लगी, मैंने भी अपना लिया उस बात को। सुजूद में दुआ करना बहुत बड़ी बात है, और खास कर ये दुआ, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि तो बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम फरमाया। आप भी लाजिम पकड़ लें इसको, अपने सुजूद में दुआएं करें, अपने सजदे में अपने माँ बाप के लिए दुआएं करें। अमल 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 लाजिम है मेरी बहन, दुआ, और अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत, उनसे उल्फत, उनसे मोहब्बत, दो मीठे बोल उनके लिए, है ना, कि अल्लाह ताला ने जब इतनी हमारे लिए फजीलतें, रहमतें, बरकतें रखी है माँ बाप की खिदमत के लिए, तो फिर वईदें भी वैसी सुनाई गई। इसीलिए मैंने कहा कि माँ बाप आपके लिए जन्नत है या फिर आपका जहन्नम, आपको बनाना है, आपको बनाना, क्या बनाना है, जन्नत बनाएंगी या जहन्नम बनाएंगी। तो ये बड़ी सख्त तरीन वईद है मेरी बहनों, कि जो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक नहीं करते, उनके साथ अच्छी गुफ्तगू नहीं करते, यानी आज तो हमारा माहौल ये बन गया कि हम ये समझते हैं कि माँ जो होती है ना घर की काम वाली, माँ जो होती है, माँ भी वही समझती है कि मैं घर की काम वाली, मतलब ये कि मुझे ही करना है सब कुछ, पकाना मुझे ही है, धोना मुझे ही है, धुलाना मुझे ही है, फलाना भी मुझे करना है, वो सारे अपने ऊपर लाद लेती है और औलाद को निकम्मा बना रही है। और ये निकम्मापन
आगे जाके उनके लिए बहुत भारी साबित हो रहा है। शादी हुई, ससुराल में गए, वहां से लान तान शुरू। अब वो माँ बनने वाली है, वहां से उसकी आजमाइश शुरू है, क्योंकि उसने माँ की खिदमत नहीं की ना। तो ये आजमाइश में अपने औलाद को मत डालिए, ये आजमाइश में अपनी औलाद को मत डालिए, अपनी औलाद को काम का आदि बनाइए, अपनी औलाद को काम का आदि बनाइए, काम का आदि बनाइए, उनसे काम लीजिए, उनसे माँ बाप की खिदमत करवाइए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि ये वो चीज है मेरी बहनों कि हमारी औलाद के लिए हम या तो उनकी जन्नत है या जहन्नम बनेंगे। तो हम अपने जरिए से क्यों जहन्नम बने, इंशाल्लाह हम जन्नत ही बनेंगे, इंशाल्लाह हम जन्नत ही बनेंगे। हम यानी हमारे हमारी औलाद के लिए हमारा वजूद जन्नत का बायस हो इंशाल्लाह। खिदमत लाजिम है, यानी पकवान में हेल्प करना, घर के कामों में हेल्प करना, और उनकी यानी हुस्न सुलूक करना उनके साथ, यानी बच्चों के ऊपर ये लाजिम है। लाजिम है कि बच्चे अपने मामूल में से रोज के टाइम टेबल में, चाहे वो कॉलेज जाती हो, चाहे वो स्कूल जाती हो, चाहे वो जॉब करती, जो भी है, अपने मामूल में ये बना ले कि इतना टाइम मुझे मेरे माँ बाप के लिए देना है, क्योंकि वो जन्नत है, उनके जरिए से हमारी जन्नत है। अगर नहीं निकाल सकते टाइम, अगर नहीं दे सकते, वक्त चला गया, जन्नत का वो दरवाजा बंद हो गया, बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। मौत तो कभी भी किसी को भी आ सकती है। तसव्वुर कर ले मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, जो मुझे सुन रहे हो, तसव्वुर कर ले कि ये माँ बाप जो आपके सामने दिन रात चलते फिरते एक्टिव नजर आ रहे हैं, कल आपको तख्त पर पड़े नजर आएंगे सफेद कफन में लपटे हुए, जब सिवाय रोने चिल्लाने और तड़पने के सिवा तुम कुछ नहीं कर सकोगे, खिदमत करना चाहे भी तो नहीं कर सकोगे। आज तुम्हारे लिए मौका है, आज तुम्हारे लिए मौका है, तुम्हारे सामने जिंदा सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत करके जन्नत हासिल करिए, खिदमत करके जन्नत हासिल करिए। एक इशारे के मुंतजर रहना, इशारे यानी आप यानी हर हमेशा अपने माँ बाप के लिए तैयार रहना उनकी खिदमत के लिए, चाहे आप थके हुए क्यों ना हो, चाहे आप बीमार क्यों ना हो, बढ़ के उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि ये खिदमत आपको जन्नत में ले जाएगी। अगर नहीं करेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके लिए, यानी करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, नहीं नहीं करेंगे तो फिर जहन्नम है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाय दुनिया व अज़ाब अल आखिरा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे तमाम आजमाइश से, अल्लाह ताला हमें हमारी औलाद को नेक तौफीक दे। अल्लाह ताला के बारगाह में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जो हमें जन्नत का मुस्तहिक बना दे, और खास कर औलाद की तरबियत के बारे में कि अल्लाह ताला हमें, अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें तरबियत करना नहीं आता, ऐ अल्लाह तू ही हमें सिखा दे और हमारी औलाद को जहन्नम के अज़ाब से बचा दे। ऐ अल्लाह हमारी औलाद को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, क्योंकि ये अज़ाब ऐसा है कि अल्लाह ने कहा कि गैर मामून, ये कोई नई डरने वाली बात नहीं है, बहुत सख्त तरीन डरने वाली बात है जहन्नम का अज़ाब। तो आज कई औलादों को देखकर अफसोस होता है कि वो लोग अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तमाम औलाद को फरमाबरदार बना दे अपने माँ बाप का, और उन्हें समझने की तौफीक अता फरमा। और हम भी मेरी बहनों का सबसे दुआएं करेंगे अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला तू उनको अपने अपना फरमाबरदार बना ले। जब बच्चा माँ अल्लाह का फरमाबरदार होगा ना, तो खुद ब खुद माँ बाप का भी फरमाबरदार होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।